अभी आपने देखा होगा कि मुंबई से एक लड़की पैदल यात्रा कर रही थी जो मुस्लिम धर्म की थी, है ना, पैदल यात्रा करके और वो अयोध्या तक गई है ओपनिंग में राम जी के उसमें, है ना, किसी मतलब जो अदर कास्ट में चले जाते हैं, देखो कहते हैं प्यार है प्यार है प्यार है, अरे प्यार अपने में भी तो हो सकता है, क्यों जाना किसी और धर्म में, चाहे चाहे दूसरा धर्म हो वो भी हमारे में क्यों आए ना आए। हाँ, पहले मेरा भाई भाई वाला था बट अब मुझे लगता है कि नहीं, भाई भाई शायद नहीं है उनकी तरफ से, नहीं है। आप कह रहे हो एक भाई और एक भाई का भूमिका नहीं, नहीं। हाँ बिल्कुल, बल्कि हिंदू लोग मस्जिद में चले जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, मैं खुद भी जाती थी बट अब मुझे लगता है कि शायद नहीं। हमें प्यार से नफरत नहीं है, अगर उन्हें प्यार करना है ना हमारी बहन से तो टोपी उतार के आए, हम हाथ मिलाने के तैयार हैं। झूठी झूठी वादा, झूठा वादा नहीं, हिंदू बन के आए टोपी उतार के आए, हम प्यार करने के तैयार हैं, पर झूठा नहीं। मेरा नाम केसर है। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। जैसे बाबा की जो कथा चल रही है दिल्ली में, तो आज पहले दिन की कथा थी, आप क्या सीख के जा रहे हो? मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ कि हर सनातनी को अपना अपने धर्म को पहचानना चाहिए, और मैं फर्स्ट टाइम ही बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए उनकी मतलब कथा में आई हूँ, मैं इससे पहले कभी भी नहीं गई, क्योंकि हमें ना इतना नॉलेज ही नहीं था, हमने कभी भगवान के बारे में मतलब कि सनातनी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें ये था कि यार सब भाई भाई हैं, हम मिल के रहते थे, लेकिन अब जब बागेश्वर बाबा आए तब मुझे हमें ये चीज़ पता चली, खासकर कि मुझे, मैं अगर अपना बताऊँ तो तब मुझे पता चला कि यार सच में हम सनातनी हैं और हमें अपने धर्म को खुद को पहचानना चाहिए और जय श्री राम जय श्री राम हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातनी धर्म है, कहते हैं कि मतलब हम हिंदुओं में क्या होता है, सनातनी में क्या होता है कि सबको ना इक्वल मानते हैं, लेकिन जब हम औरों को उठा के देखें ना तो वो इक्वल नहीं मानते हैं, जैसा कि अभी राम मंदिर बन रहे हैं तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, अगर उन्हें मस्जिद के लिए जगह दी गई, लेकिन उन्हें है क्यों है, तुम्हें भी तो जगह दी गई ना, तो मत करो ये चीज़, अगर हम भी मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। जब से इनकी कथाएं ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुई हैं आपने दिल्ली में चेंजेस क्या देखे हैं या यूथ में क्या चेंजेस? चेंज यही हो गया है कि सब अपने मतलब धर्म को पहचानने लग गए, सनातनी जो है वो जाग रहे हैं और मतलब अपने सनातनियों के लिए सपोर्ट में एक दूसरे का साथ और सब मतलब यही सारी चीज़ें। आपको सनातन को डिफाइन करना हो, इनकी एक बुक भी आ रही है सनातन क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो मैं उसको पढ़ूंगी, अभी तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सनातन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग एक धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन जो है मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग से है, क्योंकि पीछे से जो भी है हिंदू ही है और हिंदुस्तान के ही है, देखो हिंदुस्तान में जो भी है ना सब हिंदू ही है और हिंदुस्तान के ही है, तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और बाद में मैं सनातनी हूँ। अच्छा, बाबा बागेश्वर की कथा और फिर आपने सुनना स्टार्ट करा, और कनेक्टिविटी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली क्या है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, केसर लाइफ स्टाइल से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरे को भी ये था कि आज फर्स्ट डे है तो मेरे को भी यहाँ का ब्लॉग वहाँ पे डालना है और मुझे दर्शन भी करना है, क्योंकि मैंने कभी सामने से नहीं देखा बागेश्वर बाबा को, आज फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और उनके फेस पे एक इतनी अच्छी ग्लो एक चमक है और मतलब बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पॉजिटिव हुई मैं यहाँ पर आके। हाँ जी, तो जैसे आपने इनको आज देखा और पहले जब आप टीवी पे देखते थे, कितना डिफरेंस समझ में आया या कितना सच लगा या कितना? बिल्कुल सेम है, टीवी में देखने में और सामने में बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इनके अंदर क्या यूनिकनेस लगी, क्या यूनिकनेस लगी आप? सेम है बिल्कुल ही, जैसे टीवी में वैसे ही रियल में है, कुछ अलग नहीं है। नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो उनके जो करोड़ों फॉलोवर हैं, उनको क्या बोलना? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि खुद को पहचानो, हम सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे, हमें ये चीज़ें पहले नहीं पता था। एक जो गाना बना है ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो वो बिल्कुल सही है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जय श्री राम। लास्ट सवाल मेरा ये है, जैसे आप यूथ हैं और बाबा बोलते हैं कि जो सनातनी लड़कियाँ हैं उनको दूसरे धर्म में जाकर शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या बोलेंगे कि क्या एडवाइस करेंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि देखो सनातनी धर्म बहुत ही अच्छा है, ठीक है,
और अभी आपने देखा होगा कि मुंबई से एक लड़की पैदल यात्रा कर रही थी जो मुस्लिम धर्म की थी, है ना, पैदल यात्रा करके और वो अयोध्या तक गई है ओपनिंग में राम जी के उसमें, है ना। तो जब रास्ते में हिंदू लोग उनसे मिल रहे थे, सनातनी लोग मिल रहे थे, तो उनके पैर दबा रहे थे, माला पहना रहे थे, तो ये है सनातनी धर्म, ठीक है। तो सनातनी धर्म जो है वो सबसे अच्छा है, सच्चाई यही है जो कि शायद किसी और धर्म में नहीं है, ठीक है। तो सनातनी को, सनातनी जो भी लड़की है उनको अपने धर्म को पहचानना चाहिए और अपने उसमें, यार सनातनी में लड़कों की कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी और में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अपने उसमें रहो ना, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, सच्चाई है। अगर तुम्हें किसी, मतलब जो अदर कास्ट में चले जाते हैं, देखो कहते हैं प्यार है प्यार है प्यार है, अरे प्यार अपने में भी तो हो सकता है, क्यों जाना किसी और धर्म में, चाहे चाहे दूसरा धर्म हो वो भी हमारे में क्यों आए ना आए, वो अंदर से तर्क आता है ना, सारे एक लड़के एक जैसे थोड़े होते, लेकिन बाद में फिर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है ना, तो कैसे आपको कैसे पता कि एक जैसे नहीं होंगे। हाँ नहीं है एक जैसे, लेकिन फिर भी क्यों जाना, ये चीज़ आपको, पहले मैं इतना नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार सब एक जैसे है, बट मैं जब अब चीज़ें मेरे सामने आ रही है, बहुत सी हिंदू मुस्लिम की चीज़ें, गाय के साथ क्या क्या गलत चीज़ें करना और भी कई चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम सबसे अच्छे धर्म में हैं और मैं भगवान से हर बार कहूँगी कि मुझे सनातनी ही धर्म मिले। ये पूछा है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हमें प्यार से नफरत नहीं है, अगर उन्हें प्यार करना है ना हमारी बहन से, तो टोपी उतार के आए, हम हाथ मिलाने के तैयार हैं। झूठा वादा नहीं, हिंदू बन के आए, टोपी उतार के आए, हम प्यार करने के तैयार हैं, पर झूठा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस यही चीज़। अच्छा, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं? यस। तो अभी तक हनुमान जी की कृपा से कोई ऐसा वाक्या हुआ हो जो आप शेयर करना चाहती हैं, कि मतलब कोई काम बनना रहा हो और वो बन गया हो, ऐसा कोई वाक्या आप शेयर करना? मैं सारे ही भगवान को मानती हूँ, चाहे वो राम जी हो, हनुमान जी हो, भोले बाबा हो, मैं सबको ही मानती हूँ, खाटू श्याम जी को, मैं सबको ही मानती हूँ। तो ऐसा कुछ, ऐसा कोई वाक्या हुआ नहीं, कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ मैं मानती हूँ, और मेरे को जो चाहिए ना, अगर मैं उनके नाम से, भगवान से आपने कुछ मांगना होता है तो क्या करते हो, मतलब कैसे विश? मन्नत मांगती हूँ मैं, खुद अपने मन में बोलती हूँ, क्या यहाँ जोड़ती हूँ, अब मुझे हर चीज़ मिला है, जैसे ही मैं कोई भी चीज़ मांगती हूँ ना मुझे मिलता है, और मैं बहुत भरोसा करती हूँ। आस्तिक होना सही है या नास्तिक होना, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं जब हमें कर्म ही करना है तो फिर हमें तमाम पंडालों के, तमाम दरबारों में, तमाम भगवानों के पास जाने से क्या हासिल होगा, जब कर्म से ही रिजल्ट डिसाइड होगा? देखो कर्म से तो हमारा डिसाइड होता है, लेकिन ना अगर आप पंडालों में जा रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, उनसे माफ़ी मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ गलत कर्म वो कट रहे हैं, वो थोड़ा बहुत शायद माफ़ हो रहा होगा ना, लेकिन अपने मन की शांति के लिए तो जाओ ना। मैं वृंदावन जाती हूँ और मेरा सपना ऐसा है कि मैं, भगवान मुझे इस लायक बनाए कि मैं हर मंथ वृंदावन जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा भक्ति में लग गई हूँ। तो जो भगवान के पास जाने से क्या होता है कि देखो एक मन को शांति मिलती है, बेशक कर्म तो देखो किसने देखा, बाद में मरने के बाद क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम गलत कर रहे हैं ना तो हमारे साथ यही हर चीज़ हो जाएगा, अगर हम अच्छा कर रहे हैं ना तो हमारे साथ यहीं पे। लास्ट में जैसे आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, आप बोल रहे थे ना कि मैं इतना नहीं मानती थी, तो एकदम से ये सिनेरियो चेंज कैसे? ये ऐसे हुआ कि जब राम मंदिर वगैरह बनना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी वीडियो सामने आने लग गई, हिंदू मुस्लिम को लेके, गाय माता वाली चीज़ें, और फिर मतलब जो भी ये केस वगैरह हो रहे हैं मुस्लिम की तरफ से, या जो भी मतलब ये चीज़ें हो रही है, फिर दंगे हो रहे हैं, कांवड़ियों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, जब मतलब ये सारी चीज़ें मैंने देखा ना तो मुझे लग रहा है यार हम गलत नहीं करते तो तुम गलत क्यों कर रहे हो, तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि नहीं यार सना, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट टूट गया कि हिंदू मुस्लिम? हाँ पहले मेरा भाई भाई वाला था, बट अब मुझे लगता है कि नहीं भाई भाई शायद नहीं है उनकी तरफ से, नहीं है। अब आप कह रहे हो एक भाई और एक भाई का भूमिका नहीं, नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम भाई भाई वाला हाथ दे रहे हैं तो उनको भी हाथ देना चाहिए, लेकिन उन्हें ना दुख है, बट पता नहीं क्यों दुख है, मैं रीज़न जानना चाहती हूँ कि क्यों प्रॉब्लम, इतनी वीडियो सामने आ रही है भगवान की माता की मूर्ति के साथ गलत किया जा रहा है, भगवान की फ़ोटो को तोड़ा जा रहा है, क्यों जलाया जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि हिंदू लोग मस्जिद में चले जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं, मैं खुद भी जाती थी, बट अब मुझे लगता है कि शायद नहीं। फिर आप दरगाह वगैरह आप नहीं जाते?
अभी ऐसा भी नहीं है, मैं हाजी अली दरगाह गई हूँ क्योंकि मेरा बचपन से सपना था वहाँ जाना, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी। अगर मुझे लगा तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि यार अगर हम जाते हैं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मन में ये सारे सवाल है अभी। आप क्या बोलना? लास्ट टाइम मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जय श्री राम, बस और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वेलकम।